हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गौरव यूनिवर्सिटी का एलएलबी के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। एलएलबी का कट ऑफ आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अनारक्षित सामान्य वर्ग वालों के लिए। तो यहाँ पर दिनांक 7 नवंबर 2020 को दिन शनिवार 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर अनारक्षित सामान्य वर्ग और यहाँ पर नंबर का बात करें तो 138 अंक या इससे अधिक वालों के लिए है। साथ ही नीचे कुछ दिया, उपयुक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजाति तथा सभी वर्गों के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएँ भी सम्मिलित हैं। इसमें ये भी जो यहाँ पर बच्चे हैं ये भी सम्मिलित होंगे। उसी दिन 7 नवंबर 2020 को ही 12 बजे से 12:30 बजे तक अनारक्षित सामान्य वर्ग विशेष श्रेणी, जिसमें कर्मचारी पाल्य, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, युद्ध में अपंग, भूतपूर्व सैनिक, कारगिल सहित, इसमें कोई यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, इन लोग के लिए सारे नंबर पर हो सकता है। उसी दिन 12:30 बजे से 2 बजे तक अनारक्षित सामान्य वर्ग में प्रतीक्षा सूची 130 अंक या इससे अधिक वालों के लिए, जिसमें स्थान रिक्त होने पर मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। उपयुक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात तथा सभी वर्गों के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। उसी दिन 2 बजे से 3 बजे तक अनारक्षित सामान्य वर्ग केवल छात्राएँ इसमें होंगे और 118 अंक या इससे अधिक मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। उपयुक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात तथा सभी वर्गों के विशेष श्रेणी के छात्राएं भी सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो 8 नवंबर 2020 दिन रविवार को 9 बजे से 12 बजे तक वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर नंबर का बात करें तो 128 अंक या इससे अधिक उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित होंगे इसमें। 8 नवंबर 2020 को ही 12 बजे से 12:30 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष श्रेणी, जिसमें कर्मचारी पाल्य, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, युद्ध में अपंग, भूतपूर्व सैनिक, कारगिल सहित के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। इसमें कोई भी यहाँ पर नंबर का कोई भी सीमा नहीं है। उसी दिन 12:30 बजे से 2 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतीक्षा सूची, जिसमें 118 अंक या इससे अधिक स्थान रिक्त होने पर मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। उसी दिन 2 बजे से 3 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग केवल छात्राएँ के लिए है ये, इसमें 102 अंक या इससे अधिक के लिए है। उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएँ भी सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जात के लिए। तो यहाँ पर 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार को 9 बजे से 11 बजे तक 108 अंक या इससे अधिक वाले बच्चों के लिए होगा। उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। 9 नवंबर 2020 को दिन सोमवार 11 बजे से 11:30 बजे तक अनुसूचित जात विशेष श्रेणी, जिसमें कर्मचारी पाल्य, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, युद्ध में अपंग, भूतपूर्व सैनिक, कारगिल सहित बच्चे यहाँ पे शामिल होंगे। उसी दिन 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अनुसूचित जाति प्रतीक्षा सूची 86 अंक या इससे अधिक वालों के लिए स्थान रिक्त होने पर मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। उसी दिन 12:30 बजे से 1:30 बजे तक अनुसूचित जाति केवल छात्राएं के लिए 68 अंक या इससे अधिक उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 9 नवंबर 2020 उसी दिन 1:30 बजे से 2 बजे तक अनुसूचित जनजाति, जिसमें सभी छात्र छात्राएं होंगे, उपयुक्त वर्ग के विशेष श्रेणी के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हैं। उसी दिन 2 बजे से 3 बजे तक ऐसे सभी अभ्यर्थी अनारक्षित सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति जो प्रवेश के समय उपस्थित नहीं हुए हैं उनका प्रयोग उपयुक्त मेरिट के अनुसार सीट बची होने पर किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।